गरीब व्यक्ति मन से होता है और अमीर भी मन से होता है। निश्चित ही अगर कम भी है ना, तो भी यदि किसी को अपने में से दे रहे हो थोड़ा सा, तो आप गरीब नहीं हो, आप वाकई में अमीर हो। दूसरों के काम आए वही व्यक्ति मनुष्य कहलाता है। हमें बहुत बार कहती हूँ कि वो महंगी सी साड़ी पहनकर महंगी सी गाड़ी में से उतर करके एक स्त्री एक दुकान पर आती है और कहती है कि दुकानदार से कि मुझे एक सस्ती से सस्ती साड़ी निकाल कर दे दो। क्यों? क्योंकि मेरी नौकरानी की बेटी की शादी है। महंगी सी साड़ी पहन के खूब महंगी गाड़ी में से उतर करके दुकान पर आकर दुकानदार से कहती है कि सस्ती से सस्ती साड़ी कोई निकाल दो, क्योंकि मेरे नौकरानी की बेटी की शादी है। और थोड़ी देर बाद, वही थोड़ी देर बाद, एक रिक्शे में बैठकर सस्ती सी बेचारी साड़ी पहनकर, सामान्य सी साड़ी पहन करके एक महिला आती है उसी दुकान पर और उस दुकानदार से कहती है कि अपनी दुकान की सबसे महंगी से महंगी खूब अच्छी से अच्छी साड़ी निकाल कर मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि मेरी मालकिन की बेटी की शादी है। यहाँ आंकलन करो कि गरीब कौन है और अमीर कौन है। क्या वो महिला अमीर है जो बहुत कुछ है उसके पास लेकिन मन नहीं है? अरे गरीब की बेटी की शादी है, नौकरानी की बेटी की शादी है, तो अच्छा क्यों नहीं दो? वही चिथड़े दोगी क्या? उस बेटी को भी अपने जैसा दो तो वो भी सोचे कि किसी ने कुछ दिया है। और वो गरीब है, कमाती है, थोड़ा सा कमाती है, फिर भी अपने महीने भर की, दो महीने, छह महीने की कमाई इकट्ठी करके और सोचती है कि मैं कुछ अच्छा दूं। तो मन से व्यक्ति गरीब होता है और मन से ही व्यक्ति अमीर होता है। ये बात समझ लेना।